देखिए, शैव मत और वैष्णव मत दो मत हमारे भारत में माने जाते हैं। शैव मत को मानने वाले होते हैं वो शिव से संबंधित होते हैं, और वैष्णव मत को मानने वाले होते हैं वो विष्णु से संबंधित होते हैं। दोनों ही संप्रदाय का एकीकरण हो, समन्वय हो, ये भगवान महाकाल की नीति और रीति रही है और परंपरा रही है। तो उस परंपरा और नीति के कारण महाकाल मंदिर की जो परंपरा है, यहाँ से भगवान महाकालेश्वर यानी शिव वैष्णव से मिलने के लिए गोपाल मंदिर तक जाते हैं। ये एक संदेश है देश में कि दोनों देवता, भगवान शिव और भगवान विष्णु, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये अलग नहीं है, मैं भगवान विष्णु को भजता हूँ और विष्णु मुझे भजन करते हैं, हम दोनों एक हैं। तो जो मनुष्य वो यहाँ मतभेद क्यों करता है, शिव का मतभेद विष्णु का मतभेद ये क्यों करता है? इसलिए उस मतभेद को मिटाने के लिए भगवान हरिहर भेंट का एक प्रावधान इस मंदिर का है, और उसी प्रावधान को लेकर, उसी परंपरा को लेकर महाकाल से भगवान स्वयं पालकी में विराजित होके गोपाल जी से मिलने जाते हैं, विष्णु से मिलने जाते हैं, वहाँ आदान प्रदान होता है। ये एक संदेश पूरे देश के लिए, शिव मत और वैष्णव मत को मानने वाले जो भेद करते हैं, इसमें भेद करते हैं, जो वैष्णव संप्रदाय होता वो शिव को कहता कि हम शिव का प्रसाद ग्रहण नहीं करें, हम शिव को नहीं माने, ये जो भेद करते हैं वो भेद को समाप्त करने का काम भगवान शिव ने किया है। जब गोपाल जी पर जाते हैं वहाँ आमने सामने जब पूजा होती है तो बेलपत्र का जो हार होता है, जो शिव को प्रसन्न है, जो शिव जिसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं बेलपत्र, वो भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है, और विष्णु जिस तुलसी को ज़्यादा पसंद करते हैं वो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। ये आदान प्रदान की व्यवस्था है, और ये एक संदेश है कि देवताओं में कोई अंतर नहीं है, हम ब्रह्मा विष्णु और महेश एक ही अंश हैं, आप इसमें एक ही मान के इस व्यवस्था को संसार में चलाएं।